अब सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। श्याम भक्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। श्याम भक्तों, परिवर्तनी एकादशी तिथि आने वाली है और परिवर्तनी एकादशी जो तिथि है इस बार 2 दिन की पड़ रही है। तो 2 दिन में कैसे व्रत रखना है, क्या करना है, हरिवासर के समय व्रत का पारण क्यों नहीं करना चाहिए, क्या है, समस्त जानकारी आपको इस वीडियो में दिया जाएगा। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा जिससे आपको एकादशी के बारे में पता चल सके। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट कर। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष यानी कि एक माह में 2 एकादशी होती है, मतलब एक वर्ष में 24 एकादशियां आती हैं। जिस वर्ष अधिक मास हो उस वर्ष यह 26 हो जाती है। एकादशी व्रत की शुरुआत दशमी रात्रि में होती है, पारण द्वादशी को होता है, यानी व्रत पूर्ण द्वादशी को ही होता है। इस दौरान मुहूर्त का विशेष ध्यान रखना चाहिए आप सभी को। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ व्रत के पारण के नियम क्या है। इस नियमों को जान लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारे लोग व्रत के पारण के नियम को अनदेखा कर देते हैं, जो कि सही नहीं है। चलिए मैं आपको व्रत के पारण के नियम आगे बताता हूँ। यह व्रत करने के लिए दशमी को रात को भोजन त्यागना होता है, यानी दशमी के रात भोजन नहीं करना है। एकादशी को पूरे दिन निराहार रहकर व्रत को रखा जाता है। द्वादशी पर सुबह सुबह व्रत खोला जाता है। पारण सूर्योदय के बाद होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि एकादशी व्रत पारण द्वादशी तिथि खत्म होने से पहले करना जरूरी होता है। यदि तिथियों की घट बढ़ के कारण द्वादशी तिथि सूर्योदय से पूर्व ही खत्म हो गई हो तो ऐसी स्थिति में पारण सूर्योदय बाद ही करना होता है। पारण के समय ध्यान रखना है कि एकादशी व्रत का पारण हरिवासर के दौरान नहीं करना चाहिए। श्याम भक्तों, अब हम आपको बताएंगे कि ये हरिवासर क्या होता है, क्यों नहीं हरिवासर के दौरान हमें व्रत का पारण करना चाहिए, उसके बारे में पूरी जानकारी लेते हैं। द्वादशी तिथि का पहला चौथाई समय हरिवासर कहा जाता है। चूंकि व्रत का पारण हरिवासर में नहीं होता है, इसलिए व्रती को पारण के लिए इसके खत्म होने का इंतजार करना होता है। यानी द्वादशी तिथि का प्रथम चौथाई समय बीतने के बाद व्रत का पारण हो सकता है। पंचांग में हर तिथि की पूर्ण अवधि है, उसके 4 भाग कर प्रथम भाग का समय बीतने के बाद ही पारण करना चाहिए। बेहतर होगा कि इसे पंचांग में आप सभी पहले देख लें और उसके बाद ही आपको व्रत का पारण करना चाहिए। श्याम भक्तों, अब हम आपको बताएंगे कि जो व्रत का पारण है वो किस समय करना सही रहता है। अगर आप इस समय में व्रत का पारण करते हैं तो वो ज़्यादा सही रहेगा। आगे हम आपको ये बताएंगे कि आने वाली एकादशी जो परिवर्तनी एकादशी आने वाली है, परिवर्तनी एकादशी जो सितंबर 2023 में आएगी, उसमें आपको व्रत का पारण कब करना है, किस दिन रखा जाएगा, उसके बारे में पूरी बात बताएंगे। तो श्याम भक्तों, प्रातःकाल में उत्तम है व्रत का पारण। एकादशी व्रत के लिए सबसे अच्छा समय है सुबह का समय, यानी कि प्रातःकाल। व्रती को मध्यान्ह काल के दौरान व्रत खोलने से बचना चाहिए, यानी दोपहर को नहीं खोलना चाहिए, यानी प्रातः सूर्योदय के 3-4 घंटों के भीतर व्रत को खोल लेना चाहिए। दोपहर में 11 से लेकर दोपहर 1 बजे तक व्रत नहीं खोलना चाहिए। किसी कारण आप प्रातःकाल व्रत नहीं खोल पाए तो मध्यान्ह काल बीतने पर ही आपको व्रत को खोलना चाहिए। श्याम भक्तों, अब हम आपको बताएंगे कि अगर एकादशी तिथि 2 दिन पड़ जाए तो आपको व्रत का पारण किस दिन करना चाहिए, व्रत किस दिन रखना चाहिए, कैसे रखना चाहिए, उसके बारे में अब हम आपको बताने वाले हैं। एकादशी तिथि 2 दिन पड़ जाने पर कई बार स्थिति आती है कि एकादशी 2 तारीखों में पड़ जाती है, मतलब एकादशी का व्रत लगातार 2 दिन रहता है। ऐसे में विद्वानों का मत है कि पहले दिन की जो एकादशी है वो गृहस्थ जीवन वाले रख सकते हैं और दूसरे दिन की जो एकादशी होती है वो वैष्णव संप्रदाय के लोग उस व्रत को रख सकते हैं। श्याम भक्तों, परिवर्तनी एकादशी आने वाली है और परिवर्तनी एकादशी कब की है आज इस वीडियो में पूरी जानकारी आपको देने वाला हूँ। पहले जान लेते हैं कि परिवर्तनी एकादशी को परिवर्तनी एकादशी क्यों कहते हैं। परिवर्तनी एकादशी भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की तिथि को आती है, यानी भाद्रपद महीने में जो ये तिथि आती है शुक्ल पक्ष की, इस दिन भगवान विष्णु अपना करवट बदलते हैं, यानी कि वो चातुर्मास में जब अपनी योग निंद्रा में चले जाते हैं यानी पाताल लोक में चले जाते हैं तो वहाँ पर अपनी करवट को बदलते हैं। उनके करवट के बदलने के कारण, यानी कि एक करवट से सोते रहते हैं और एक करवट से दूसरे करवट में आते हैं, जिसके कारण से इसे परिवर्तनी एकादशी कहा गया है।
देखिए, परिवर्तन जीवन का नियम है, चाहे वो हमारे जीवन से संबंधित हो, चाहे किसी भी क्षेत्र से संबंधित हो, हर क्षेत्र में परिवर्तन होना आवश्यक है। यानी अगर परिवर्तन नहीं होगा तो ये जीवन चक्र नहीं चल सकता। इसलिए परिवर्तनीय एकादशी में आप कुछ नया संकल्प लें अपने जीवन में और कुछ नया करने के लिए सीखें। तो श्याम भक्तों, आप जानते हैं कि आने वाली जो परिवर्तनीय एकादशी है वो कौन सी तिथि में पड़ रही है? तो देखिए, जो एकादशी तिथि है वो 25 सितंबर 2023 को सुबह 7:56 से लगेगी और अगले दिन यानी कि 26 सितंबर 2023 को सुबह 5:01 तक ये एकादशी तिथि रहेगी। तो श्याम भक्तों, उदया तिथि के अनुसार जो एकादशी का व्रत है वो 26 सितंबर 2023 को रखा जाएगा, यानी कि 26 सितंबर 2023 को सुबह 5:01 तक की एकादशी है। उसके बाद द्वादशी लग जाएगी। उदया तिथि के अनुसार जो वैष्णव संप्रदाय के लोग हैं वो 26 तारीख को ही व्रत रखेंगे। अगर आप गृहस्थ जीवन से संबंधित है, जैसे कि हम सभी गृहस्थ जीवन से संबंधित हैं, तो हम सभी को व्रत जो है वो 25 सितंबर 2023 को एकादशी का व्रत रखना है। परिवर्तनीय एकादशी का व्रत जो है वो 25 सितंबर 2023 को रखेंगे और 25 सितंबर 2023 को जो व्रत रखेंगे वो इस व्रत का पारण कब करेंगे उसके बारे में जानकारी दे देता हूँ। 25 सितंबर 2023 को जो व्रत रख रहे हैं एकादशी का, वो इस व्रत का जो पारण है वो अगले दिन यानी कि 26 सितंबर 2023 को सुबह हरिवासर समाप्त होने के बाद, यानी हरिवासर का जो मुहूर्त है वो समाप्त हो जाने के बाद आपको व्रत का पारण कर लेना है। हरिवासर जो समाप्त हो रही है वो सुबह 10:11 पे समाप्त हो जाएगी, यानी 10:15 से लेकर 11 से पहले तक आपको व्रत का पारण कर लेना है। जैसे कि मैंने अभी आपको वीडियो में बताया था कि हरिवासर के अंदर व्रत क्यों नहीं समाप्त किया जाता, हरिवासर का क्या मतलब है वो तो आप समझ चुके होंगे। तो हरिवासर जो है वो 10:11 पर समाप्त होगी, यानी कि जो 25 तारीख को जो व्रत रखेंगे वो 26 को व्रत का पारण करेंगे। 10:15 से लेकर 11 से पहले आपको व्रत का पारण कर लेना है। देखिएगा, इससे पहले व्रत का पारण ना करें, क्योंकि उस वो समय जो होगा हरिवासर का समय होगा। अगर आप पहले व्रत का पारण कर लेते हैं तो व्रत का संपूर्ण फल आपको नहीं मिलेगा। अब 26 तारीख को जो व्रत रखेंगे वो इस व्रत का पारण कब करेंगे, वो 27 तारीख को व्रत का पारण करेंगे सुबह 6:12 से लेकर सुबह के 8:36 तक वो इस व्रत का पारण कर ले। जो 26 तारीख को यानी कि वैष्णव संप्रदाय के लोग जो व्रत रखेंगे, जो वैष्णव संप्रदाय हैं जो कि गृहस्थ जीवन से बिल्कुल अलग होते हैं, साधु संन्यासी या जो भी हैं इस्कॉन के जो भी मंदिर के हैं, वो सभी जो व्रत हैं वो 26 तारीख को रखेंगे और इस व्रत का पारण जो होगा वो 27 सितंबर 2023 को सुबह 8:36 के अंदर उनको इस व्रत का पारण कर लेना है। हालांकि जो द्वादशी की तिथि होगी वो 26 सितंबर 2023 को 5:01 के बाद से शुरू हो जाएगी और ये जो द्वादशी तिथि रहेगी ये 26 तारीख की मध्य रात्रि यानी कि 1:45 तक, यानी कि 27 तारीख की सुबह 1:45 तक ही द्वादशी तिथि रहेगी। और ऐसा माना जाता है कि द्वादशी तिथि जो है आपको व्रत का पारण कर लेना चाहिए। अगर द्वादशी तिथि सूर्योदय से पहले हो जाती है, यानी सूर्योदय से पहले द्वादशी तिथि समाप्त हो जाती है, तो सुबह उठकर आपको द्वादशी व्रत का पारण कर लेना चाहिए। जो 26 का व्रत रखेंगे वो 27 को करेंगे, यानी कि वैष्णव संप्रदाय के जो लोग हैं वो 27 तारीख को इस व्रत का पारण करेंगे। तो श्याम भक्तों, इस प्रकार से आप एकादशी तिथि का व्रत करिए, भगवान विष्णु की कृपा आप सभी पर बनी रहेगी। आप सभी श्याम भक्तों को इस वीडियो को देखने के लिए जय श्री श्याम।